उठो। तुम्हें से कह रहे हैं उठ जाओ, धूप निकल आई। अरे काहे? अरे उठो, थाने नहीं जाने का तो उठो। कितनी बज गई? धूप निकल आई देख ले। अरे ये तो धूप ने कर आई सत्तर। छोड़ो तू कर। छोड़ो तो क्या कर रहे का मतलब? वही कर रहे जो शादी की पहली सुबह से करते आ रहे। बच्चे जवान हो गए तुम्हारे अब। अच्छा है ना, हम कब बुड्ढे हो गए? जी तुम्हारी इन्हीं हरकतन की वजह से ना घर में नौ नौ खेल रहा है। अगर तुम हाँ कह दू ना सारू दसमो भी आ जाएगा। दसवों चाहिए तुम्हें? अरे अरे दसवों? अरे अरे क्या कर रही हो? इतने तुमने दसवें का हल्ला कर रखा है और मुझे सालों से प्रेग्नेंट बना के रखा है सो अलग। अरे ना ना ऐसा ना है। असल में क्या है, वो ससुर हमारी निछावर खाने की पॉलिसी है, सो हम करते हैं। ये तुम्हारे निछावर के चक्कर में हम तो बदनाम हो रहे। तुम कहां से बदनाम हो गई? कहे लोग जे नहीं बोलते, इतने सालों से प्रेग्नेंट है, इन्हें बच्चा कहीं नहीं हो रहा। अच्छा तो एक काम करती हैं, आज जो तुम्हारे माथे से ना हम बदनामी को दाग हटा ही दे रहे, तुम आ जाओ। अरे लोग आ जाओ। दरवाजा खुला है तुम? दरवाजा खुलू को क्या मतलब? तो खुद को घर है, खुद को दरवाजा खोलू है तो खोलो रहा। जब हमने तुम शादी में पहली बार देखो कहा लग रहा था हमें जो लग रहा हो तो कहा है? चमची 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 आ गई खड़ी बाहर। चमची जो अम्मा बुला रही तुम्हें। लेकिन दादी ने तो कोई आवाज नहीं दी। दही थी बेटा दही थी, जब तुम बाथरूम में आती ना तब दादी ने बहुत तेज आवाजें दी थी। वैसे मम्मी पापा आप लोग क्या कर रहे हो? बताओ क्या कर रहे? अब हम कुश्ती लड़ रहे। जा अम्मा बुला रहे बेटा। अरे क्या कह रही थी? वैसे कुश्ती लड़ रहे। कुश्ती लड़ रहे हाँ। तो एक काम करो अब दंगल हो जाए, सब दंगल हो जाए। अरे बहू, ओ बहू, अरे कछु चाय वाय पिलवाए दे। अरे हमने तो कभी अपनी सास को सुबह सुबह चाय के लिए नहीं तरसायो। अरे यार अम्मा उठ गई। उठाई तो नहीं रही है? हमने कही अम्मा उठे आई, जो चाय ना दिए ना तो तूफान खड़ा कर दिए बे। जाओ फिर चाय बनाओ जाके, बढ़िया एक हमारे लाने बनाओ कप। आए रे अम्मा। अम्मा हमेशा गलत टाइम पे उठती है। जवान बार कर। हाँ अम्मा, एक तुम दोनों ही अनोखे जवान ना भाई इस दुनिया में। हम जवान भाई थे का होएगा, बीपी का ही बढ़ा रही अपनो। अरे 6 बजे से उठे भाई, चिल्लाए रहे। हाय अम्मा कितो झूठ बोल रही। 6 बजे तो आप खर्राटा ले रही थी। अच्छा हम झूठी हैगी? और तू तो बड़े सत्यवादियों के खानदान से है। हम चाय लाए रहे। अरे सुन, तुम दोनों सवेरे सवेरे का कुश्ती लड़ रहे थे? उसे का घूर रही है? ऐसो है अम्मा, जो पूछने अपने लल्ला से पूछो, उन्हें को सुबह बड़े जोर आते हैं। स्कूल नहीं जा रही तुमको? हाँ टाइम होएगा, चलो जा। अरे अभियाल तुम्हें रिपोर्टर बनाए रहे हम। हाँ बड़ी खबर इधर की उधर करती हो। आए हमारी चमची को एक शब्द ना कहो, नहीं तो अच्छो ना होगा। और अम्मा राम राम। जे आए भाई, मुंह में राम बगल में छुरी। काय तप रही इतनो सवे सवे, कहोगो निकल आयो अपनी लुगाई के आंचल से? बड़ी कुश्तियां लड़ी जा रही हैं। कैसी बातें कर रही अम्मा तुम? नाना ऐसो कछु ना है, असल में काय गर्दन में ना मोच आ गई थी तो रज्जू दबा रही थी, तब ही सोचा रहा चमची आई बा को लगो मम्मी पापा कुश्ती लड़ रहे। लेकिन गर्दन में मोच आयो कैसे? रात को गर्दन के साथ जाती भाई होगी।
ये बुढ़ापी में कैसी बातें कर रही अम्मा तुम, कहो गो। हम ठीक कह रहे हैं, 9 बच्चे बहुत होते हैं, और 10वें के बारे में सोचो ना तो हम तुम्हारी टांगे तुम्हारे हाथ में तोड़ के धर देंगे। ना ना अम्मा, कैसी बातें कर रही, अब ऐसा कौन प्लान ना है गो, 9 ही ठीक है, बढ़िया है। अच्छा इते कहो हाउ हाउ। अरे 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 अम्मा, तू सारी दुनिया को उल्लू बना सकता है पर अपनी अम्मा को ना। तू रात को कितनी उठा पटक करतो है ना, सब पता है मुझको। सारी आवाजें हमारे कानन में आती है। अम्मा चाय। सुनो रिति को चमची को स्कूल छोड़े आओ। अरे ना ना, हमें लेट हो जाएगो, तुम छोड़े आओ ना यार। अरे हम छोड़ने जाएंगे तो घर को काम कौन करेगा, अम्मा को नाश्ता बनाने और दवाई देने हैं। अरे यार, अबे ने कौन छोड़ने जाएगो। पापा स्कूल छोड़ने तो आप ही को आना पड़ेगा, फरिश्ते तो नहीं आने वाले ना। कैट, हे कैट। कैट, आई एम डाउनसाइड। कैट। लियो सोचो, आगो फरिश्तो, चलो सारे यारो। कैट। मैं कैट बोल रहा हूँ, डॉग भौंक रहा है यहाँ। गिर जाए। अरे ढंग से चलो ना यार। नहीं नहीं नहीं। कैसे खाओ तुमने? चल। चलो। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते दीदी। नमस्ते। कायरी कमलेश, तू जो बता हम तुमको कौन सी भाषा में समझाएं, जो सारू मतलब हद करे, हमें हमें अंकल बोलतो है और हमारी बीबी को दीदी बोलतो है, या तो हमें भी भाई साहब बोल, और बामे प्रॉब्लम है तो जाको आंटी बोल, कछु तो फिक्स कर यार। जानबूझ के थोड़ी ना बोलता हूँ, आपको देख के अंकल जी निकल जाता है, इनको देख के दीदी निकल जाता है। आओ आओ, ऐसो है तेरे जी अनोखे रिश्ते को संधि विच्छेद हम बड़ी आराम से करेंगे तबीयत से, फिलहाल तू हमारा एक काम कर। हाँ जी अभी कर देते, बताइए क्या करना है। ये हमारे रिते को चमची को स्कूल छोड़े फटाफट। अरे यार कहाँ, मैं कैट को कॉलेज छोड़ने के लिए आया था, कहाँ इन्होंने किड्स को लटका दिया। अरे तुम तो ऐसे सोच रहे जैसे बच्चों को हमने फरुखाबाद छोड़ने को बोल दिया है। ना जी ऐसी कोई बात ना है, सोच रहे थे कॉलेज को लेट हो जाएंगे थोड़ा। यार एक दिन अगर लेट हो जाएगा तो मास्टर का मतलब कॉलेज से ही निकाल देगो। हाँ ये भी ठीक है सर। हाय कमली। हाय। हाउ आर यू? I'm good. How are you, cat? I'm also fine. Thanks you. What are you doing upside? Me? Preparing myself. You tell me. Oh, nothing else. Just came here, dropped to you in the college. But your father telling me first, drop your brother, sister. Okay, fine. You go, dropping brother and sister. Me taking 2 hours for preparing self. Oh, no. Are you? Jo katori ka chal raha hai? So London mein reh rahe ka? Father, please. Don't call me Katori. I am Kate. And calm down, na? Please, calm down. Today, English is a universal language and everybody must be speaking English. अरे चुप कर! कितनों English में बटर बटर कर रही है? कम से कम घर में तो हिंदी बोल, हैं? मटर गुआ की बिटिया याद है? तेरे जैसी, बिल्कुल तेरे जैसी English में गटर गटर करती थी, London भाग गई. London भाग गई. कमलेश बच्चों को स्कूल छोड़े आओ, लेट हो रहे हो, चल कम ऑन किड्स, सिट फास्ट, ढंग से ले जाइयो, एक आध टपक ना जाए, ओ पकड़ के बैठिए। बाय बाय मम्मी, बाय पापा, बाय बाय कमलेश, जा बाय। ऐसो चला तू, ऐसो तो एक आध लौंडा ना टपक जाए। चलो तुम चलो, हाउ हाउ। अरे यार प्रेशर बन गओ, निपट लें थोड़ी। अरे
हमारी एक बात सुनो। अरे तुम कहा है बोलो। हम ना चेचे पोपो से बहुत थक गए, हमें घूमने जाने। अरे जो अचानक से घूमने को प्रोग्राम कैसे बन गए? और अम्मा अम्मा सुनेगी तो बुरो लगेगा यार। नहीं, तुम्हारी अम्मा को अच्छा कब लगता है? इतनो काहे चिल्ला रही? आराम से बोलो ना। हम कछु नहीं जाना, हमें घूमने जाने तो जाने हैं बस। तुम्हारी कसम खा रहे हैं, हम पगलाए गए इन पे। हम नहीं जा रहे। जाइए तो जाइए, कान में तेल डाल के सुन ले। अरे तुम कहाँ जाइए तो जाइए। अबे यार हम आगे लगाए दे, रुक जा। अरे दादा सो ओ ये पराठा बड़ा फीको सो लग रहा है। हाँ दादी, मुझे भी ना ये माहौल थोड़ा फीको फीको सा लग रहा है। तो बताओ किशोर कुमार दादा की आवाज में कोई गाना सुना दूं? सुना दे रणबीर, सुना दे। कई किशोर कुमार के पोते जे गाने गए हो कि स्कूल भी जाए हो? आयुष्मान कब से वेट कर रहा हो तुम? आओ। अरे मम्मा आज हम स्कूल नहीं जाएंगे। कहीं नहीं जाओगे स्कूल? अरे तुमने ना बताओ। अरे आज शादी का प्रोग्राम है, वहां में जाके गाना है मुझे। तुम्हें गवैया ही बनने हैं का? कितनी बार कह चुकू कि मैं पढ़ लिख कर जी पापा की तरह नीचा वर्ग और दरों का थोड़ी बनूंगा। आए बे कछु पढ़ाई वढ़ाई कर ले, जे गाने गाने से ना पेट ना भरने वालो। आलू के पराठे ठूंस रहा हुए सारे। अरे बापू सुन, हमारी एनसीसी की टीम एक दिन की ट्रेनिंग के लिए रामघाट के जंगलों में ले जा रही से, तो मैंने 500 रुपया दे। ऐसो है, पहले तो तू जो हरियाणवी में बात कर लो बंद कर। देख वो तो मैं ना करूंगी, क्योंकि तने पता है मैंने हरियाणा पुलिस में जाना है। हा? अरे तो जब हरियाणा में चली जाएगी तब हरियाणवी में बोलिए। अबे तो जो, अरे यार अबे तो घर की भाषा में बात कर। देख बेकार की बात तुम्हारा से मत कर बापू। हाँ मने दे दे, मने इमरजेंसी के लिए चाहिए। अरे दे देना लड़की को, इतनी दूर जा रही है, गांठ मुट्ठी में कछु पैसों तो होना चाहिए। हाँ हाँ राजेश दियो 500 को नोट दियो जाको। हमारे पास तो रुपया ब्याह रहे हैं। अरे यार अबे कल ही तो दे थे 3000 रुपये। बाकी हमने कछु सामान मंगाए लो। सामान मंगाए लो या डूमर भैया को मनी ऑर्डर कर दियो। जे मैं डूमर भैया के पीछे कहीं पड़ी अम्मा? अरे हमने कौन सी उनकी बिल्डिंगें बनवाई दी, जब देखो हमें इतने ताने सुनाती तुम। अरे तो क्या मैं झूठे ताने सुनाती हूँ? तू भेजते हो ना पैसा अपने डूमर भैया को, जे हफवा इतनी ऊपर नीचे की कमाई करते है, कहाँ जाती है वो सारी? तो कौन से करोड़ों कमाते हैं अम्मा? महीने की 45,765 रुपये 75 पैसे कमाते हैं। और जो नीचे को कमाते है वाको कोई हिसाब? अम्मा नीचे के सिर्फ 100-200 रुपये होते हैं। क्यों रे, तेरे नीचे की बस इतनी सी कमाई? ना ना अम्मा, आजकल क्या थोड़ी मामला ससुर टाइट चल रहा है ना, आजकल इतना ही हो पा रहे। कमाद दमाद कुछ नहीं। और अम्मा तुम्हारे लल्ला ना आगरा घूमने को बोल रहे थे। क्या बात कर रही तुम? आगरा घूमने का मन है तेरा? अब जा जा घूमा। अरे अदवीर मामा का फोन आ हुआ है। हेलो। हाँ भैया। कैसे हो भैया, क्या बात कर रहे हो? तू यहाँ रो है? अरे कमाल है, ये तो बड़ी खुशी की बात है। आ जा भैया, तेरी बहुत याद आ रही है। तेरो अतवीर मामो आ रो है, आगरे का प्रोग्राम बाद में रख लियो है। वाह बहुत बढ़िया अम्मा, अतवीर मामा आ रहे मतलब जो बहुत बढ़िया बात हो गई जा तो। बहू तू ज्यादा खुश ना लग रो है? अरे नाना अम्मा हम तो बहुत खुश हैं, हम तो जा सोच रहे जय खुशी में ना मोहल्ले में हलवा बटवा दे।
दे। हाँ किसमिस भी डाल दो। अम्मा हाय दैया मामा आए रे कहे सुनो तुम्हारे मामा आए रे। बड़ी अच्छो बब्बा है। यार सुनो तो, अरे सुना तो यार हमें बड़ी खुशी हो रही है अतबीर मामा के आने पे। हम तुम्हें पहली बार खुश देख रही है तुनू, और जब आज से हमें बड़ी खुशी हो रही है। जो तो सोने पे सुहागा होगा हो। जो सोने पे सुहागा नहीं होएगा हो, वे तो वही बात होएगी कि सर गंजा करो और ओले पड़न लगे। जी क्या कह रही तुम? हिंदी समझ में नहीं आ रही, उर्दू में बोलेगा? अरे नाना यार तुम अबे बाहर तो बड़ी खुश नजर आ रही थी, जो हवा को रोक अचानक से कैसे बदल गो? कोई हवा को रुख नहीं बदलो है। और तुम बताओ अतवीर मामा के आने से हम कहीं खुश हुए? हाँ जे वही मामा है जो हमारी शादी नहीं होने दे रहे थे तुमसे। और क्या कह रहे थे कि अरे जिज्जी इतनी सुंदर लड़की से शादी करवाई हो तो जे काम धाम छोड़ के अप्पू घर ही में बैठे रहे हैं। जाने गलत का कह रहे थे, बिल्कुल तुम तो हो ही इतनी सुंदर कि हमारी नजरें ना हट रही थी शादी में। और याद है शादी के बाद सारू 2 महीना, अरे सुन तो लियो 2 महीना हम कमरा से ना निकले थे, बिल्कुल कमरा से ना हिले थे बिल्कुल। बेटे तुम्हारी कमर की नस चढ़ गई थी शादी की पहली रात को, और 2 महीना तक तुम बेड पे पड़े रहते। अरे तो बा में हमारी क्या गलती, बाकी जिम्मेदार तुम हो। तुमने ससुर हमें कमरा में आते कितनी बुरी तरीके से लते आओ तुम। वो तो तुमने हम पे अटैक कर दो अचानक, तो हमने धर दो। अटैक कर दो तू? अरे ऐसू का अटैक कर दो तू? और तुमने ससुर, अरे कैसी लात मारी थी, भूल गई? ससुर हमें ऐसी लात मारी भाई कमर को कमरा हो गो तू। ये बात को बदलो ना तुम, ठीक है? तुम्हारे मामा कोई और से तुम्हारी शादी करवाए रहे थे। अच्छा लेकिन सुनो करी तो तुमसे ही शादी। हाँ तो कोई एहसान कर दो का। एहसान एहसान की क्या बात हो गई, को उन्हें कछु पे भी एहसान ना करो ससुर। तुम जी गड़े मुर्दा काय उखाड़ रही, जो बताओ छोड़ो ना, बहुत टाइम पहले की बात है। नहीं हम उखाड़ रहे गड़े मुर्दा? हाँ जो गड़े मुर्दा उखाड़न तो तुम्हारी अम्मा को शौक है, हमें नहीं। और खासकर तब उखाड़ती जब तुम्हारे अतवीर मामा आते हैं। अरे तो सुनो तो, अरे तुम हमारी तो सुनो, तुम तो अम्मा को कछु नहीं जानत। हम बस एक ही बात जानते हैं, तुम्हारी मामा नहीं आई है और हमें घूमने जाने। कान खोल के सुन ले तुम एक बात। अरे तो तुम अम्मा को ना जानो, तुम हमें जानो ससुर, हमें पहचानो। हाँ तो तोड़ दिए तुम्हारे हाथ। अरे 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 तुम रहे हम जिससे सर औरतन को कछु समझ ही ना आते हुए। खाने की दांत अलग, दिखाने की अलग। राजेश को देख लो, बाहर कितनी फरफरा रही थी, मूड बढ़िया तो बेडरूम में आती रंग बदल गए। अब जे चचे आ रहे तुम क्या कर रहे, जो कौन से नंबर को रो रहे हो? अरे दादा का हो गो, काय रो रहे? आले ले 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 आले ले आले ले आले। अरे दादा आ तुम्हारी सत्या अपनो ही होतु है ससुर। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। अरे फोटो सैया का साफ कर रही हो और गाना भैया का गा रही हो? कहाँ से बोल रहे हो, जरा सामने तो आओ छलिया। बचना है हसीनो, लो मैं आ गया हसीना। हम कह रहे हमारे साथ जे भूतों वाली हरकतें ना किया करो। क्यों डर गई क्या? जब जिंदा थे तब डरा ना पाए, अब मर के कहा नींबू निचोड़ लोगे। वैसे तुम्हारी बात भी सही है, नींबू तो तुम सबके निचोड़ रही हो, और वैसे भी ना भूतों से ज्यादा खतरनाक तो चुड़ैल होती है। तुमने हमें चुड़ैल का? दादा हम ना बोलेंगे तुमसे। ए रुक ना स्पीटे, रुक ना लायक। कहोगे अम्मा इतने तेरे पिताजी बैठे हैं। हाउ हाउ मुंह मत फाड़ो, मक्खी घुस जाएगी जामे। हाँ पिताजी को हमारी नमस्कार है जी। जीता रहे जीता रहे बोल रहे।
आओ आओ जिये ही रहे ससुर। अबुआ का है को निचुड़ा हुआ नींबू क्यों लग रहो है? ना ना तेरो थोबड़ो भैंसियन के झुंड से निकले सांड के जैसे क्यों लटको भाऊ है? कैसी बातें कर रही है अम्मा? ना ना ऐसो कछु ना है। तो फिर खुश रहे ना, तुम्हारे आत्मीर मामा आ रहो है। हाओ हाओ हम तो खुश ही है। अम्मा हम का कह रहे कि का कह रहे हम जो कह रहे कि आत्मीर मामा को आनो का बहुत जरूरी है। मैं तेरो मतलब ना समझी। है ना हमाओ मतलब जो है सीधो सीधो कि मतलब अगर आत्मीर मामा ना भी आए तो आपको का बहुत बड़ो नुकसान हो जाए। ना ना हमाओ मतलब असलियत में कहा है कि मतलब मोकु साफ नजर आ रहे हो बेटा। तेरी लुगाई ने तेरे कान भर दे। ना ना मैं राजेश पे घूम फिर के काहे को आ रही हूँ? राजेश ने कछु ना कहो है यार। राजेश अम्मा हम का सोच रहे हैं कि बहुत दिनन से मतलब हमारी बाहर घूमने की इच्छा हो रही है। हम सोच रहे हैं कि कछु दिन के लिए बाहर घूम। नास बेटे जे तेरी इच्छा बिल्कुल ना है, जे तेरी लुगाई की इच्छा है। फिर वही बात तुम खा मखा की अम्मा ना बकवास बंद कर। हम जो कह रहे हैं ना सुन ले और जाके अपनी लुगाई को भी बता दे हमारे अतबीर भैया आएगो और जरूर आएगो। और जे तुम मियां बीबी जा घर से हिले ना तो हम बता रहे हैं जा घर में जम के नींबू निचोड़ देंगे।